फ्रेंड्स, आज हम शाही गरम मसाला बनाएंगे और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले सारी रेसिपी आप तक पहुंच पाए। और हमें कमेंट करना, लाइक करना ना भूलें। तो आइए हम शाही गरम मसाला बनाते हैं। फ्रेंड्स, आज हम शाही गरम मसाला बनाएंगे। ये गरम मसाला पाउडर घर में बनाकर रखने से इसका सेंट बहुत ही अच्छा बनता है। और बाज़ार से खरीदी हुई शाही गरम मसाला में सेंट उतना अच्छा नहीं होता है, तो इसे हम घर में बनाएंगे। यहाँ 25 ग्राम्स गरम मसाला है सभी को मिलाकर। यहाँ मैंने जयत्री लिए है, दालचीनी है, छोटे इलायची है, बड़े इलायची है, जायफल एक है और लौंग है कुछ, और यहाँ साजीरा, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और कबाब चीनी है। सभी को मिलाकर हम पाउडर बनाएंगे। सबसे पहले हम ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, कबाब चीनी, शाही जीरा सभी को डाल देते हैं और बड़े इलायची, छोटे इलायची, दालचीनी, जैत्री, लौंग और जायफल सभी को डाल देते हैं और इसे मिक्सर में पाउडर बनाएंगे। गरम मसाला पाउडर तैयार है। इस तरह से गरम मसाला को हम बनाकर घर में कुछ दिनों तक रख सकते हैं। इसे एयर टाइट कंटेनर में बंद करके हम कुछ दिनों तक यूज़ कर सकते हैं और इसे चिकन, मटर, बिरयानी, पनीर सभी सब्जी में हम डाल सकते हैं। ये घर में बनाने से इसका खुशबू बहुत ही अच्छा बनता है। तो इस तरह से गरम मसाला आप भी घर में बनाकर रख सकते हैं।